है बच्चों, कैसे हो। तो सॉलिड स्टेट के आज के लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ आयनिक क्रिस्टल पढ़ने वाले हैं। इसमें डिफरेंट टाइप्स के आयनिक क्रिस्टल के बारे में हम लोग जानेंगे। और ये जो टॉपिक है कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। और ये किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में यदि सॉलिड स्टेट चैप्टर से यदि ऑब्जेक्टिव पूछता है तो ज़्यादा चांस रहता है कि ये इस पोर्शन से क्वेश्चन बनाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ आयनिक क्रिस्टल्स। देखिए, टाइप्स ऑफ आयनिक क्रिस्टल्स, पांच टाइप्स के आयनिक क्रिस्टल्स को मेनली आपको पढ़ना है। उस टाइप्स ऑफ आयनिक क्रिस्टल को मेनली दो भागों में हम लोग डिवाइड करते हैं, ए बी टाइप्स और दूसरे को बोलते हैं ए टू बी टाइप्स या ए बी टू टाइप्स। इसका क्या मतलब है, यदि ए को हम केटायन मानते हैं और बी को हम एनायन मानते हैं तो इसमें केटायन और एनायन का जो रेशियो होता है 1:1 होता है। चूंकि आयन है तो उसमें क्या रहता है, आयनिक कंपाउंड, उसमें क्या रहता है, केटायन और एनायन रहता है। तो इस टाइप्स में, ए बी टाइप्स में केटायन और एनायन का जो रेशियो होगा 1:1 होता है, जबकि ए टू बी टाइप में या ए बी टू टाइप में दोनों में अंतर होता है। क्या अंतर होता है, यदि केटायन 2 है तो एनायन ऐसे होगा या क्या रहेगा, इस टाइप्स का रहेगा। यानी केटायन से एनायन का संख्या आधा होगा या केटायन से एनायन का संख्या दुगुना होगा। तो इस टाइप्स के क्रिस्टल्स को पढ़ना है। इस टाइप्स में ए बी टाइप्स में तीन तरह के आयनिक क्रिस्टल का डिस्कशन आपको करना है, जिसमें पहला है एन ए सी एल टाइप, ठीक है सर। दूसरा है सीजियम क्लोराइड सी एस सी एल टाइप, ठीक है सर। और तीसरा है जेड एन एस टाइप, ठीक है सर। टाइप सबका अपना अपना नाम कुछ होगा, वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसमें दो पढ़ना है आपको, CaF2 जिसको फ्लोराइड बोलते हैं, फ्लोराइड जी हुजूर। और इसमें Na2O टाइप्स, टाइप्स लगा दीजिए, ठीक है सर। टाइप ये है एंटी फ्लोराइड टाइप। तो ये पढ़ना है, ठीक है सर। तो आप समझ गए ए बी टाइप में क्या है, केटायन आयन का रेशियो 1:1 होगा। ए टू बी टाइप में या ए बी टू टाइप में केटायन और एनायन का रेशियो 1:1 ना होकर के क्या होगा, या तो केटायन एनायन से डबल होगा या एनायन केटायन से डबल होगा। और इसमें आपको दो पढ़ना है, कौन, CF2 और Na2O। और ए बी टाइप में आपको तीन पढ़ना है, NaCl, CaCl, देखना है NaCl, Na और Cl 1:1, CaCl 1:1, ZnS केटायन और एनायन क्या है 1:1। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं अपने पढ़ाई का, किससे, वन ऑफ द फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रिस्टल टाइप, दिस इज NaCl टाइप्स। NaCl तो आप लोग देखे नहीं होंगे। अच्छा, कॉपी किए आप लोग, अच्छा नहीं किए तो अपना कर लीजिए। तो NaCl टाइप्स, हाँ आप कह रहे थे कि NaCl देखे हैं, NaCl टाइप्स जिसको बोलते हैं नमक टाइप। हाँ भैया, कोई भी नोक लीजिए, क्या फर्क पड़ता है, टाटा साल्ट लीजिए चाहे अन्नपूर्णा लीजिए, है तो नोक। जी हाँ हुजूर, इसको क्या बोलते हैं, इसको रॉक साल्ट भी बोलते हैं। जी हाँ, इसका क्या दूसरा नाम है, रॉक साल्ट भी इसको कहा जाता है। और NaCl का जो क्रिस्टल्स होता है वो FCC टाइप्स का क्रिस्टल्स होता है, जिसको आप क्या बोलते हैं, CCP भी बोलते हैं। और FCC सिंपल क्यूबिक टाइप स्ट्रक्चर, BCC टाइप्स, FCC टाइप, CC, ये आप जानते हैं। तो ये कैसा टाइप होगा, FCC टाइप्स क्रिस्टल्स होगा NaCl का। तो इसमें Na प्लस और ये है Cl माइनस है। तो सिंपल एक इसमें कॉन्सेप्ट है कि जनरली जो एनायंस होता है वो किसी भी क्रिस्टल्स के क्लोज पैकिंग में इन्वॉल्व है, यानी मेन क्यूब के जो फॉर्मेशन होता है उसमें एनायन इन्वॉल्व होता है। और केटायन जो होता है जनरली वॉइड्स पर प्लेस्ड होता है।
ये जनरल कॉन्सेप्ट है, लेकिन कहीं कहीं गड़बड़ भी। जैसे सबसे पहला गड़बड़ी क्या है, CF2 जो फ्लोराइड, आप याद रखिएगा कि वहाँ उल्टा हो जाएगा, उसका भी कारण है। चलिए कारण की बाद में। सिंपल कॉन्सेप्ट हम लोग का क्या है कि एनायंस इन्वॉल्व इन क्लोज पैकिंग, ठीक है, इन्वॉल्व इन पैकिंग। सिंपली कहिए पैकिंग, यानी जो ये बन रहा है, क्या चीज, क्यूब बन रहा है, उस क्यूब के बनने में, मेन क्यूब के बनने में उसका कंट्रीब्यूशन होगा, किसका, एनायन का, और केटायन जो क्या होगा उसमें जहां जहां भी वॉइड्स बनेगा वही होगा। तो यहां क्या है, सो देखिए यहां कहता है Cl- इन्वॉल्व इन, इन्वॉल्व्स इन पैकिंग। पैकिंग का मतलब है मेन क्यूब के बनाने में, मेन क्यूब को बनाने में, वाइल Cna+ प्लेस्ड ऑन वॉइड्स में। भी दो तरह का वॉइड होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो आपको यहां ऑन ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पर होता है। अब कहेंगे सर ये बात आपको कैसे पता है, एक बात आप पता कैसे लगा लिए, भाई साहब हम मास्टर है ना साहब, हम कोनो साइंटिस्ट हैं, आप भी स्टूडेंट है ना। साइंटिस्ट लोग जो बताता है, रिसर्च करके हम लोगों को कहता, हम लोग को नहीं, मैंने बुक में लिख देता है तो हम लोग उसको पढ़ लेते हैं, नहीं अब पढ़ करके आपको बताते हैं, बस इतनी सी बात है, समझ रहे हैं ना सर। हाँ जी, तो हमको कैसे पता चला, बुक से पता चला। कैसे पता चला कि Cl- इन्वॉल्व इन पैकिंग, इन मेन क्यूब जो बनता है उसमें होता है, और Na+ प्लेस्ड ऑन ओनली ऑक्टाहेड्रल वॉइड, नॉट ऑन टेट्राहेड्रल वॉइड। तो चलिए, यदि Cl- कहाँ है भाई साहब, ये कहाँ है Cl- कहाँ है, इन पैकिंग में है, ठीक है सर, पैकिंग में है। तो यहाँ पैकिंग में कहाँ कहाँ जगह होता है, पैकिंग में दो तरह का जगह होता है, कहाँ, एक कॉर्नर होता है, नहीं, और दूसरा फेस होता है, नहीं। तो कॉर्नर पर कितना कॉर्नर होगा, है ना, कॉर्नर कहाँ कहाँ होता है, देखिए कॉर्नर यहाँ देखिए कहाँ गया ललका, हाँ किससे बनाए हम, इसी से बनाते हैं इसको, देखिए ये देखिए हम कॉर्नर सब पर बना रहे, चलो रे कॉर्नर, आठ गो कॉर्नर, जी सर बना दिए कॉर्नर पर। ये क्या है Cl- जाओ, Cl- जाओ, नजर आ रहा है ना, हाँ चलिए अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं, देखिए क्या होता है, हो गया। और तो कॉर्नर पर कितना आठ रहता है, तो कंट्रीब्यूशन देखिए, तो कंट्रीब्यूशन क्या होगा सो बताइए, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल बताइए क्या होगा, कितना होता है, इक्वल टू आठ, आठ कॉर्नर होता है, नहीं आठ कॉर्नर पर Cl- होता है, और प्रत्येक जो कॉर्नर पर होता है वो आठ का शेयरिंग करता है, नहीं यानी कॉर्नर पर जो पार्टिकल प्रेजेंट ऑन द कॉर्नर शेयर बाय अदर्स एट यूनिट सेल, दैट्स व्हाई द कंट्रीब्यूशन ए पार्टिकल एट द कॉर्नर इज इक्वल टू 1/8, आप सब जानते हैं, जी हाँ बिल्कुल। तो यह क्या हो जाएगा 1/8, नहीं चलिए ठीक है। अब प्लस फेस पर कितना होता है, नहीं फेस पर कितना होता है, क्या गो फेस, छह गो फेस, चलिए हम बनाते हैं भाई साहब को, चलो रे यहाँ बन जाओ, यहाँ बन जाओ, ये वो आगे वाला बनो, पीछे वाला बनो, वो यहाँ वाला बनो, यहाँ बनो, छः हो गया फेस, चलो बड़ा बड़ा बनो, तब ना नजर आएगा कि भाई साहब कहाँ कहाँ है, हाँ चलो दंगा थोड़ा ये चलो अंदर, चलो ठीक है कहीं फेस ही ना है, चलिए ठीक, चलिए चलो बन जाओ, देखिए फेस पर बना दिए ना, हाँ कितना फेस है, हाँ सिक्स Cl- है, और फेस पर जो होता है 1/2 ना, एक ही समय होता है, ये कितना हो गया, ये हो गया कितना 1 Cl प्लस कितना हुआ 3 Cl, यानी टोटल कितना हो गया 4 Cl- पर यूनिट सेल, नहीं तो आपका इसका कितना हो गया पर यूनिट सेल कितना हो गया 4। अब Na+ कहाँ रहता है, ऑक्टाहेड्रल पर रहता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ कहाँ बनता है, आप अच्छा से समझना चाहते हैं तो लोकेशन एंड पोजीशन ऑफ डिफरेंट वॉइड हमने शायद लेक्चर नंबर 4 में डिस्कस किया है, आप उस वीडियो को जाइए बहुत अच्छा से देखिए, उसको निश्चित रूप से हम कहेंगे कि वो
लेक्चर देखने के बाद ही आप टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स पढ़िएगा। तो डायरेक्ट आप यहाँ पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा हम बता रहे हैं, फिर भी हम अब उतना मेहनत तो नहीं कर सकते, वहाँ से आप पढ़ करके आइए और तभी आप आयनिक क्रिस्टल को पढ़िएगा। ये मेरा आपसे लोगों से निवेदन है। निवेदन मतलब जिसको इंग्लिश में आप क्या बोलते हैं, रिक्वेस्ट जी। तो चलिए, हाँ हम तो ऑक्टाहेड्रल कहाँ रहता है आपको पता है, दो जगह पर रहता है, कहाँ कहाँ रहता है बताइए, एज पर बनता है नहीं, और एक बॉडी सेंटर पर बनता है। देखिए दो जगह ऑक्टाहेड्रल बॉयड बनता है। आप पूछेंगे सर ये आपको कैसे पता, हमको कैसे पता, हमने तो आपको बताया है, कहाँ बताया है, लेक्चर नंबर 4 में है ना, आप वहां जाइए और वहां से समझिए तो आपको पता चल जाएगा। तो देखिए आपको कॉर्नर पर, कॉर्नर कितना रहता है, 12 को कॉर्नर है, ये भी तो हमको बताने का जरूरत नहीं है। अब यहां से हम फिर दिखाने लगे तो फिर उसका क्या मतलब है, तो 12 कॉर्नर पर, एक कॉर्नर पर देखिए थोड़ा सा हम आपको बता दे रहे हैं कॉर्नर पर वॉइड्स कैसे बनता है, एक वॉइड का बात बता रहे हैं, हमको बताना नहीं चाहिए फिर बता दे रहे हैं, देख रहे हैं कि भाई आप लोग नाराज हो जाते हैं थोड़ा थोड़ा बात पर, तो हम क्या करें। देखिए यहाँ एक ऐसे बताए थे सर एक यूनिट सेल होगा है, तो यहाँ उसके फेस पर एक होगा, यहाँ एक होगा तो इसका फेस यहाँ होगा, बताए थे सर, देखिए हाँ यहाँ होगा, तो सर बताए थे कि देखिए इसका फेस यहाँ ये ऐसे ना, ये वहां जाइए, इस पर हम एक और यूनिट सेल रख देंगे तो इसका फेस यहाँ, यहाँ एक यूनिट सेल रख देते इसका फेस यहाँ, ठीक है। अब इसको क्या कीजिएगा आप, अच्छा चलिए, और इसका फेस हम यहाँ बना दिए, यहाँ यहाँ ठीक है सर, यहाँ इसका फेस हम का यहाँ बना दिए, तब बनाने के लिए ये वाला फेस को घुसका के वहाँ रख दिए, क्या दिक्कत है। तब अब देखिए यहाँ ऐसे करके ऐसे करके ऐसे ऐसे, अरे यही ना करते थे यहाँ, देखिए इसी कारण से कहाँ गया ये, हाँ यहाँ से जो ये एज है इसी जगह हमारा वॉइड्स बनता है, देखिए यही इसी एज पर हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनता है, देखिए इसी जगह वहां बताए थे। तो एक कॉर्नर पर यदि यहाँ ये इसी जगह देखिए ऑक्टाहेड्रल साइड करेंगे ये चार, और ये अरे चार ऐसे ऐसे करके ऐसे से जोड़ के ऐसे से जोड़ के यहाँ ऐसे ऐसे, अरे ऐसे भाई साहब ऐसे 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 एक यहाँ एक ऐसे बनाए थे ना ऑक्टाहेड्रल का, अच्छा से नहीं बना रहा, अच्छा से वहां बनाए हुए जाके देखिए ये ऑक्टाहेड्रल टाइप का सेल, देखिए ऐसे ऐसे बनाए थे, यही एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता था यहाँ, देखिए तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड एक एज पर बना बना ना सर, हाँ ये सब हम मिटा दे रहे हैं है ना, गुस्साइएगा तो गुस्साइए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझे ना सर, बहुत गुस्साते हैं आप लोग, देखिए ये सब मिटा दिए हैं, देखिए एक एज पर हमारा क्या बन गया, बन नहीं गया रखा गया, एज पर हमारा क्या बनता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है, और उस वॉइड पर टहलते हुए कौन जा रहा है, Na+ जाके बैठ जाएगा, तो वैसे ही कहां पर बैठेगा, एज सब पर बैठेगा, तो देखो यहाँ यहाँ पर बैठेगा, यहाँ पर बैठेगा, जितना जितना एज है सब पर ही भाई संग जाके कुर्सी लगा के पलथी मार के बैठ जाएंगे, ठीक है, और आपको कहेंगे चाय बनाओ, चाय बना के पिलाओगे ना उसको किसको, मम्मी पापा के हम पिलावे नहीं करते हैं, Na+ को पिलाएंगे बड़का काबिल है। तो देखिए सर एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, और कोई कोई छूट गया हुआ है, हाँ यहाँ छूटल है, ये तो बना ही दिए, आठ को पूरा कहाँ है, हाँ ये 12 को ऊपर बना दिए, बन गया होगा गिनती के क्या है, चार 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 कहाँ कहाँ छूटा है, कहाँ यहाँ एगो छूटल है, यहाँ छूटल है, चलिए बना दिए, तो ये मेरा 12 वॉइड्स बनेगा, क्या बना, तो कहाँ कहाँ बना, जितना भी कॉर्नर है उस सब पर हम रख देंगे कॉर्नर, सॉरी एज पर जहाँ भी हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनता है, ठीक है उस एज पर हम लोग रख देंगे, तो मेरा कितना है 12, और आपको पता है, पता है कि यहाँ आपको 12 Na+ है, यानी एज पर है 12 है ना, गिनती कहें 1 2 3 4 5 छः सात आठ नौ दस ग्यारह और 12 में पुड़ जाता है भाई, एज 12 में तो पुड़बे करेगा, हाँ 12 हुआ, और एज पर जो पार्टिकल्स होता है आपको पता है वो चार से शेयर होता है, तो जब पार्टिकल प्रेजेंट होता है वो चार से शेयर करता है, हम लोग कंट्रीब्यूशन में पढ़े थे शुरू में ही पढ़े थे, हाँ तो जब पार्टिकल शेयर करता है तो यहाँ ये जो वॉइड्स है ये भी शेयर करेगा, हम बताए थे वो भी चार से शेयर करेगा, उसी वॉइड पर Na है, तो ये Na जो है 12 को तो 12 इसका नहीं है,
12 इसका थोड़ी है, ये कितना है जो है एक किनारे पर, वो 1/4 ही उसका है, नहीं ये भी आपको पता है, एज पर जो पार्टिकल होता है 4 से शेयर रहता है, तो एक के हिस्से में 1/4 हुआ है, तो 12 को एज है तो 12 को एज रख दिए, इस पर 1/4, चलिए तो कितना हो गया 3n, चलिए पता हो गया। हाँ लेकिन बॉडी पर जो होता है, बॉडी सेंटर में, अब बॉडी सेंटर वाला फोटो हम कहाँ से बनाए, ऐसे करके बताए थे यहाँ, ऐसे इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे, हाँ आप लोग बहुत परेशान करते हैं लेकिन हमको, अब नहीं बनाएंगे उसका, जाके देखिए बॉडी सेंटर में ऐसे 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 सब परेशानी, आप लोग मुंह बनाने के चक्कर में, हम आपको देखिए यहाँ फेस है, यहाँ फेस है, एक एक इस जगह फेस है, और एक ये फेस है, देखिए ये फेस है, चारों एक साइड वाला, इधर वाला एक, इधर साइड वाला फेस, एक उधर साइड वाला, एक उधर वाला, ये चारों को यदि आप जोड़ दीजिए, है ना, ये चारों को जोड़ दीजिए, ये इसी बीच में बनता है कौन सा, बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर बनता है, है ना, कौन, ऑक्टाहेड्रल बॉडी, यही इसी जगह बनता है ऑक्टाहेड्रल बॉडी सेंटर में, जाके देखिए तो वहां एक जो बनेगा और इसी वॉइड में जाके एने बैठ जाएगा, दैट्स व्हाई यहां जो एक एने होगा वो एने प्लस जो होगा वो उसका खुद का होगा, तो ये एक एने प्लस जोड़ दीजिए, यानी 4 कितना हो गया, 4 एने प्लस, ठीक है सर, तो आपका पर यूनिट सेल तो क्या होगा, सीएल माइनस पर यूनिट सेल, यूनिट सेल कितना हो गया 4, और यहां एन ए प्लस पर यूनिट सेल कितना हो गया 4, तो एक और बात बताइए, यहां एन ए सी एल पर यूनिट सेल कितना बनेगा, एन ए सी एल कितना बनेगा, 4 है, देख रहे हैं, एक एन ए प्लस एक सी एल, एक एन ए सी एल बना, एक एन ए एक सी एल, एक एन ए सी एल, तो 4 एन ए 4 सी एल, 4 एन ए प्लस 4 सी एल माने 4 NaCl बनेगा, तो नंबर ऑफ NaCl पर यूनिट सेल इज इक्वल टू 4, देखिए सर ये सब अपने आप में ऑब्जेक्टिव है, सब अपने आप में पूछेगा, तो ये भी याद रखिए, ये भी याद रखिए। अब हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर आपको पता है, यदि हम Cl- का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछेंगे, इसका मतलब Cl- हाउ मेनी Na+ से 3 डायमेंशनली शेयर्ड है ना, कांटेक्ट में है, और यदि हम Na प्लस का निकालेंगे, इसका मतलब हाउ मेनी Cl माइनस से वो शेयर्ड है, 3 डायमेंशनली कांटेक्ट में है, फिर से बोल रहे हैं, क्या बोले हैं कि यदि हम Cl माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं, तो Cl माइनस हाउ मेनी Na प्लस से अपोजिट चार्ज वाले से 3 डायमेंशनली कांटेक्ट में है, टचिंग स्टेट में है, उसका गिनती कर लेंगे, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकलेगा। एन ए का कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकलेगा, सेम टू सेम वैसे ही कि एक एन ए प्लस हाउ मेनी सी एल माइनस से वो शेयर है, तो अपोजिट वाले से शेयर है। चलिए तो यहाँ देखिए आपका, ये आपका कौन है लाल वाला, ये लाल वाला है मेरा, लाल है कौन, एन ए प्लस, हम एक दो को लिख रहे हैं सर ऐसे, अच्छा लिख देते हैं, आप लोग नाराज बहुत होते हैं सर, मानना पड़ेगा, काहे नाराज होते रहते हैं, नाराज नहीं होते तो मुंह कला बना लेते हैं, मुंह लटका लेते हैं, थोड़ा सा नहीं समझ में आते तो मुंह लटका लेते हैं, ऐसा भी ऐसे मुंह बना तो मम्मी का खाना अच्छा टेस्टी नहीं बनता इसलिए मुंह भी लटका लेते हैं। अब देखिए यही है, तो बताइए तो एक एन ए प्लस, देखिए ये मान लीजिए हम कहाँ, एस सी एल माइनस सब देख रहे हैं, एस सी एल माइनस जरा देखिए, हम एक एन ए प्लस इसी पर सोचे, ये एन ए प्लस कितना से सराउंडेड है, देखिए 1 से 2 से 3 से 4 से हुआ ना, एगो इधर वाला से 5, एगो समझ रहे ना उधर वाला से, एगो इधर वाला से 3 डायमेंशनली इधर, 4 को तो नजर आ रहा है ना, 4 को में तो कोई दिक्कत नहीं है, एन ए प्लस कितना है, एगो सी एल माइनस देखो इधर, एगो सी एल माइनस देखे क्लियर फोटो नजर आ रहा है, एगो सी एल देखिए इधर, अरे ये उधर है, ये फेस पर यहाँ है ना, हाँ 1 2 3 4 हुआ, अब पांचवा कौन इधर, एगो सी एल माइनस यहाँ होगा इधर साइड वाला पर के ऊपर होगा, एक उधर होगा, अंदर घुस करके देख सकते हैं आप, है ना, अंदर है, तो 6 हो जाएगा, वैसे ही आप
Na प्लस का गिना वैसे Cl माइनस का भी गिनिएगा सर, समझे, तो वो भी 6 हो जाएगा। तो निश्चित रूप से कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl माइनस इज इक्वल टू 6, और वैसे ही कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na प्लस इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, 6। तो बताइए कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ NaCl पर यूनिट सेल कितना होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ NaCl पर यूनिट सेल कितना होगा, यूनिट सेल कितना होगा, Na प्लस और Cl माइनस का कितना हो जाएगा, NaCl का मतलब NaCl 6 × 6 हो गया। तो ये बातें हो गई, अब हम इसको देखते हैं इसका एग्जाम्पल कहाँ कहाँ होता है, ठीक है सर, ये कहाँ कहाँ इस जंग का एग्जाम्पल देखने को मिलता है, मैंने इस NaCl टाइप का क्रिस्टल्स कहाँ कहाँ मिलेगा। तो पहला कहता है हैलाइड्स ऑफ अल्कली मेटल जानते हैं, वो ने अल्कली मेटल मेटल्स मतलब LiX, NaX, KX, RbX, CSX नहीं है, हो गया। फिर दूसरा ऑक्साइड्स एंड सल्फाइड्स ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल यानी ये 2A वाला, यानी 2A वाला, ये कौन CaO, MgO, CaS, etc. लोग सब चले। फिर तीसरा जो है इसमें ये एकदम कंक्रीट है, इसको याद रखिएगा, AgBr 4 है, AgI, NH4, Br और NHI, देखिए सर ये ATC, इसको याद रखना पड़ेगा सर, एकदम याद रखिएगा, इससे भी ऑब्जेक्टिव पूछ जाता है, समझ गए सर। तो चलिए इसको कॉपी कीजिए, देन आपको हम कुछ और बताते हैं। चलिए कॉपी करना है, 1, 2, 3, 4 हो गया। चलिए इसमें डिस्कशन भी हमको ये करना है सर कि यहां हमको डिस्टेंस बिटवीन टू आयंस, यदि हम केटाइन एंड एनायन कॉन्टेक्ट की बात करें तो देखिए केटाइन और एनायन का कॉन्टेक्ट देखिए मेरा, ये देखिए केटाइन एनायन का, यहाँ चाहे किसी भी आप एज पर चले जाइए, देख रहे हैं किसी भी एज पर चले जाइए, ये मेरा सब जानते हैं, ये सब एज लेंथ होता है सर, ये सब एज लेंथ होता है, किसी भी एज पर चले जाइएगा तो कहानी आपका क्या है बताइए। तो देखिए ये ऐसे है, बीच में ये छुटकुनिया, बाद में फिर ये, हाँ यही है ना सर, यानी ये आपका Na प्लस है, देखिए ये आपका Na प्लस है, ये आपका Cl माइनस है, ये आपका Cl माइनस है, यही है ना। तो यहाँ देखिए यही है, ये आपका A है, हम इतना लेंगे चाहे इतना लेंगे, बात एक है क्लियर, यहाँ क्लियर फोटो आपको फिगर नजर आ रहा है, देख रहे हैं यहाँ भी लेंगे तो यहाँ देखिए ये एच, दो Cl माइनस है और ये Na प्लस है, आपके सर ये दूर दूर है, अरे दूर दूर नहीं रहता है भाई साहब, ये वो तो दूर दूर किया गया है आपके लिए, आपको समझने के लिए है ना, ऐसे कर देंगे तो आपको समझ में आएगा कुछ है ना। तो ऐसे ही है, देखिए इसी को हम ले रहे हैं, चाहे इसी को ले, कोई एक लीजिए, किसको लेने का मन है, इसको, हाँ ठीक है, ये लेती हो जाएगी। चलिए तो आप यहाँ ये एज लेंथ हो गया, यहाँ देखिए ऐसे 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 ऐसे, देखिए तो बताइए यहाँ कितना है, ये R माइनस है, ये R प्लस है, ये R प्लस है, ये R माइनस है ना, यानी दैट्स वाई ये 2R प्लस 2R माइनस इक्वल टू A है, नहीं यानी आपका R माइनस इसको कॉमन ले लेते हैं 2, तो A ये R प्लस एंड R माइनस है ना, इसको A बाई 2 कर देते हैं। तो देखिए सर ये हमारा क्या है, डिस्टेंस, या इसको कर दे डिस्टेंस माइनस प्लस इक्वल टू A बाई 2, ये देखिए
इसको ध्यान रखिएगा, ये क्या है, पूछेगा कि डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिटिवली नेवर्स, दो अपोजिटिवली नेवर्स का डिस्टेंस, दो अपोजिटिवली चार्ज्ड आयंस, हाँ डिस्टेंस, दो अपोजिटिवली चार्ज नेवर्स, या इसी को बोलते हैं क्लोजेस्ट अप्रोच. सीधा डिस्टेंस बिटवीन इतना ना करके सीधे कहते हैं क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ अपोजिटली चार्ज नेबर्स. ये अपोजिटली चार्ज नेबर यानी ये देखिए, ये डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है यही ना सबसे मेन, इसके न्यूक्लियस से इसके न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस, देखिए R+ and R- ये डिस्टेंस. तो आप ये न्यूमेरिकल बनाते समय बड़ी हम कुछ बनवा भी रहे हैं अभी, लेकिन बड़ा ध्यान रखिएगा सर ये, है ना, न्यूमेरिकल बनाने में इसका बड़ा यूज होता है आपको, ठीक है. लेकिन यदि आप इसी में आप एनायन कॉन्टेक्ट की बात कीजिएगा, ठीक है सर, तो एनायन कॉन्टेक्ट आपका कहाँ होगा, देखिए यहाँ दो एनायन का कॉन्टेक्ट, देखिए किसी एज में देखिएगा तो बीच में आपका वो घुसा हुआ है क्या चीज, एन ए प्लस, है ना. दो एनायन का कॉन्टेक्ट यदि करना है तो आपका ये फेस डायगोनल पर ऐसे भरना पड़ेगा, नहीं तो फेस डायगोनल पर भरना पड़ेगा. जैसे देखिए यहाँ ये एस ऐसे ऐसे ऐसे, चल ठीक है, चलिए जैसा आपको, देखिए हम इसको आपको समझाने के लिए ऐसे ये है, ये यहाँ ये है कौन, ये वाला, ये कौन है ये देखिए ये है, ठीक है सर. तो ये निश्चित रूप से देख रहे हैं ये मेरा फेस डायगोनल है, आप जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं, है? फेस डायगोनल है तो यहाँ कितना होगा, R माइनस R माइनस R माइनस R माइनस, नहीं हो गया ना, यहाँ कितना हो गया, ये 4R माइनस हो गया, हाँ ये 4R माइनस हो गया, इसको √2a होगा ना सर, ये फेस डायगोनल होता है ना, ये फेस डायगोनल, फेस हम उतना आप नहीं बता रहे हैं डायगोनल, चूंकि आपको बताया हुआ है बहुत अच्छा से बताया, ये फेस डायगोनल में ही टू अपोजिट, तो यहाँ हम कह रहे हैं किसके बीच में, एनायन कॉन्टेक्ट की बात करें हम, एनायन कॉन्टेक्ट की, है ना, तो उस समय आप ये करेंगे, ठीक है. तो आप इसको ऐसे कैसे ही आया है, 2R- + 2R- ऐसे आया है ना, ऐसे ना आया है. तो यदि R ऐसे कर दे, हाँ तो ये क्या होगा, √2, ये देखिए सॉरी ये यहाँ क्या कर ले, 2 कॉमन ले ले, नहीं इनटू a कर दिए, या R- कर दे तो √2/2a. तो ये देखिए ये मेरा क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन एनायन्स नेवर्स, यानी सेम चार्ज नेवर्स. उस समय ये फॉर्मूला लगेगा, नहीं तो कभी कभी कहेगा कि इसमें डिटरमाइन द रेडियस ऑफ एनायन सिंपली, है ना, रेडियस ऑफ एनायन, इसमें भी रेडियस ऑफ केटायन एनायन पूछ सकता है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन में देखिएगा, यहाँ इसमें सिंपली रेडियस ऑफ एनायन कर देता है तो लोग क्या करता है, 4R- = √2a, इसलिए R- = √2a/4, नहीं ऐसे करके भी क्वेश्चन आपसे बनवा सकता है. तो यहाँ से एक अपोजिटिव चार्ज आयन से भी आपका डिस्टेंस पूछ सकता है, दो अपोजिट चार्ज आयन का डिस्टेंस आप निकालिए, तो उस समय आप ये कीजिए, एज का हाफ कर दीजिएगा. यदि आपको दो एनायन के बीच का डिस्टेंस पूछे तो आप ये कीजिएगा, केवल रेडियस निकालने के लिए पूछे तो √2a/4 कर दिए. तो तीन केस आपका हुआ, ये तीन केस आप हिसाब से ध्यान में रखिएगा, समझे सर, तो इससे आपको न्यूमेरिकल बन जा सकता है. तो चलिए हम कुछ बनवाते हैं आपसे, इसको कॉपी कीजिए.
इसको कॉपी कर लीजिए। हाँ तो हाँ मेरे होनहार, जैसा यहाँ हमने एक क्वेश्चन लिखा कि एल आई सी एल क्रिस्टलाइज एफ सी सी स्ट्रक्चर, एल आई सी एल क्रिस्टलाइज होकर के एफ सी सी स्ट्रक्चर बनाता है जिसका क्यूब लेंथ यानी एज लेंथ दे दिया है, तो आपका को क्या कह रहा है कि आयनिक रेडियस निकालिए, सी एल माइनस का आर माइनस निकालिए, नहीं जो हम बोल रहे थे लास्ट वाला आर माइनस निकालिए, डिस्टेंस बिटवीन टू क्लोराइन यानी ऊपर वाला और ये नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एल आई प्लस सी एल माइनस यानी पहला वाला, पहला फॉर्मूला इधर से जो बनाए थे वो, ये कौन है दूसरा और ये कौन है तीसरा, नहीं क्या कहना है सो देखिए ए वाला में क्या कीजिएगा बताइए, ए वाला में क्या कीजिएगा आप, टू आर माइनस, टू आर माइनस इसकल टू क्या है रूट अंडर टू ए, यही ना था नहीं बताए थे यहाँ ऐसे फेस पर था, ऐसे ऐसे नहीं बताए थे हुजूर, अभी तो जस्ट बताए हैं, तब कितना बनवाइएगा हमसे, यही ना था आर माइनस ये देखो आर माइनस फोर, तो इसलिए आपका एक ये कितना गया फोर आर माइनस, चूंकि एक क्लोराइड आयन का रेडियस पूछ रहा है तो रूट अंडर टू ए ये आर माइनस इज इक्वल टू रूट, तो थोड़ा सा सावधानी से आप ए कितना है 5.14 इंटू 10^-10, तो चलिए सर आप तो कैलकुलेट कीजिएगा, नहीं तो हमको कहिएगा कैलकुलेट करने के लिए, तो हमसे कैलकुलेट होगा नहीं क्योंकि हम कैलकुलेटर का यूज करेंगे, कैलकुलेटर आप देखिएगा तो आप लोग सोचिएगा हम भी करेंगे, तो फिर मैं एक बार बता चुके हैं कि आप कैलकुलेटर का यूज ना करेंगे क्योंकि आपको मेरे जैसा मास्टरी नहीं करना है, क्योंकि हम लोग अपने से करते क्या, हम तो कहते हैं तुम कीजिए, नहीं कहते ठीक है बच्चों आप करो तो आप करने लगते हैं, तो मेरे बदले आपको करना है, तो आप कैलकुलेटर का यूज कतई ना करें और हमको तो ऐसे करना भी नहीं है। चलिए बी बताइए सर, ये क्या करें डिस्टेंस बिटवीन टू क्लोराइड आयन यानी आर इसके इसके ये डिस्टेंस कह रहा है, ये डिस्टेंस का ये सी एल माइनस है, सी एल माइनस है तो ये बीच का डिस्टेंस कह रहा है, तो यहाँ देखिए आपका क्या होगा टू आर माइनस, टू आर माइनस पता है ये रूट अंडर टू ए होता है ना, तो आर माइनस, आर माइनस ये ले लिए हम, ये कॉमन ले लिए तो रूट टू ए, ये फिर आर माइनस, आर माइनस है ना, तो ये हमारा रूट टू ए बाई टू इंटू ए, इसको वैल्यू करके रख दीजिए, तो ये डिस्टेंस बिटवीन टू क्लोराइड आयन, दो क्लोराइड आयन का बीच का डिस्टेंस, देखिए अंतर है सब में, आयनिक रेडियस क्लोराइड आयन का आयनिक रेडियस, डिस्टेंस बिटवीन टू क्लोराइड आयन का डिस्टेंस, दोनों का ध्यान दीजिएगा, ये क्या कह रहा है केटायन और एनायन का डिस्टेंस, तो यहां सी में क्या कीजिएगा टू आर प्लस टू आर माइनस, ये क्या होता है ये कितना हो जाता है बताइए, ये कितना होता है बताइए कितना होता है, इसमें आप क्या कर दीजिएगा ये एज लेंथ के बराबर होता है, जस्ट पहला केस जो हमको बताए थे ये ए के बराबर है नहीं, तो ये आर प्लस आर माइनस ये टू आप ले लेते हैं नहीं इसकल टू ए, तो इसलिए आर प्लस आर माइनस इसकल टू ए बाई टू कर दीजिएगा, ये आपका हो गया क्या चीज़ डिस्टेंस बिटवीन ये इसका इसका हो गया, तो ये ध्यान दीजिएगा ये इसका हो गया ये, तो ये तीन जो फॉर्मूला बताए थे इस पर और क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए, तो अब हम लोग नेक्स्ट आयनिक क्रिस्टल का डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है सर, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, इसको समझ गए, तो चलिए आप अच्छा से इसको बनाइए, देन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।